हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में विभक्ति सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हम तृतीया विभक्ति करण कारक। करण कारक तो भैया समझ लीजिए, जो हमारे याद करने का ट्रिक होता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा जिन भी वाक्यों में जिन भी सेंटेंस में से या के द्वारा आता है तो उसमें क्या लगेगा, आपका तृतीया विभक्ति लगेगी। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ समझ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी, मतलब इसका डेफिनेशन ये होता है कि कर्ता जो होता है जिसकी हेल्प से, मतलब जिस साधन का यूज़ करके कोई काम कर रहा होता है, जिस साधन का यूज़ करके सोर्स का यूज़ करता है उसको कहा जाता है आपका करण कारक। तो करण कारक मतलब जिसका यूज़ करके, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है जिस साधन की, उसमें क्या होता है आपका करण कारक होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसे बालक गेंद से खेलते हैं, जो बालक हैं गेंद से, एक तो गेंद की सहायता से, गेंद की हेल्प से खेल रहे हैं, तो जो कर्ता कौन है, बालक है, जो किसकी हेल्प से खेल रहा है, गेंद की हेल्प से खेल रहा है। तो गेंद से, वैसे भी यहाँ पर से आ ही रहा है, तो गेंद से में क्या आ जाएगा आपका, गेंद में क्या आ जाएगा, तृतीया विभक्ति। तो बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तो कंदुकेन इसमें कौन सा विभक्ति लग रही है, तृतीया विभक्ति लग रही है। हम मुख से बोलते हैं, किससे बोलते हैं, मुख, मतलब मुंह से बोलते हैं, हम मुख की सहायता से बोलते हैं, या हम मुंह के द्वारा बोलते हैं, तो क्या होगा, वयम मुखेन बदामः, तो जो आपका मुंह है मुखेन है, इसमें कौन सा विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। हेमंत के द्वारा शेर मारा गया, के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पर, के द्वारा कौन मारा गया, शेर मारा गया, हेमंत के द्वारा, तो पहले आएगा हेमंत के द्वारा, तो यहाँ पर आपका जो कर्ता उसी में तृतीय व्यक्ति लग गई। हेमंतेन सिंह अहन्यत, हेमंतेन सिंह अहन्यत, तो यहाँ पर हेमंत के द्वारा, जिसके पहले लग रही तो उसी में लगती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे से पहले था तो गेंद मुख से, तो ये ऐसे हेमंत के द्वारा, तो आप समझेंगे से या के द्वारा जिस भी सेंटेंस में आता है तो वहाँ पर आप कौन सी व्यक्ति लगाते हैं, तृतीय व्यक्ति लगाते हैं। लेकिन ये तो साधारण रूल हो गया, सिंपल बेसिक लॉ हो गया, लेकिन अगर हमें वैसे और भी चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बता दूं, हर जगह से या के द्वारा तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से। जैसे ये लिखा है एनाग विकार है, मतलब ये है कि जिन शरीर के कोई भी विकृत अंग होते हैं, मतलब डिसेबिलिटी जो होती है, विकलांगता होती है, उस अंग में भी आपका तृतीय विभक्ति आती। जैसे रुचि कान से बहरी है, तो कान से, तो किससे बहरी है, कान से बहरी है, वैसे यहाँ पर से आ ही रहा है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अंग में विकार होता है, मतलब जो विकलांगता होती, डिसेबिलिटी होती, वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति आती उस अंग में ही। तो कान से है तो कर्णेन, रुचि कर्णेन बधिरे, तो कर्ण में आपका क्या आ गया, तृतीय विभक्ति आ गई। रश्मि पैर से लंगड़ी है, किससे लंगड़ी है, पैर से, तो जो पैर है आपका वो आपका विकृत अंग हो गया, इसलिए पादेन, तो रश्मि पादेन खंजय, तो मतलब आपको देखना है कि जहाँ पर भी शरीर का विकृत अंग आ जाए तो समझ लीजिए कि उस अंग में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी। वैसे तो यहाँ पे से हमें दिख ही रहा है अगर नॉर्मल बेसिक बात में देखा जाए। अब आता है अलम, अलम मतलब होता है मत, मत करो, ऐसा मत करो, मत या बस करो, जहाँ पर नेगेटिव बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, जैसे झगड़ा मत करो, तो यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति है। जब भी अलम की बात होती है तो वहां पर तृतीय व्यक्ति आएगी, तो झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, तो क्या होगा, मत मीन्स होता है अलम और झगड़ा होता है आपका विवाद, तो विवादेन, अलम विवादेन, तो इसमें तृतीय व्यक्ति आ गई आपका, ठीक है। हसो मत, तो अलम हसीतेन, तो हंसने में कौन सी व्यक्ति आ गई, तृतीय व्यक्ति आ गई। अब ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट टाइप है अगर किम कार्यर्थम अर्थम या प्रायोजनम, ये आते हैं तो इसके पहले, जिसके भी पहले आते हैं उसमें आपका तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे तो इसमें आपका क्या होगा, मूर्ख पुत्रेण किम प्रायोजनम, मतलब यहाँ पर भी आपका किम आता है, कार्यतम आता है, अर्थम आता है, प्रायोजनम आएगा, तो उसके पहले जिसमें भी हम लाएं तो वो क्या होगा आपका, तृतीय विभक्ति लगेगी। तो मूर्ख पुत्रेण किम प्रायोजनम, तो किम के पहले आपका आ गया पुत्रेण। तो गाइस इसके साथ ये तो आपका हो गया बेसिक ये वाले रूल। अब एक आता है उप, जैसे हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था उपपद विभक्ति, यहाँ पर भी आपका उपपद विभक्ति जरूर आएगी, तो वो बहुत आईएमपी है, जिसमें 8-10 चीज़ें आपकी आने वाली हैं, तो उस चीज़ को जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का।
तो अब हम आते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति जो थी हमारी, ये द्वितीय विभक्ति में भी थी और यहाँ पर भी, और आपको हर विभक्ति में मिलेगी। उपपद विभक्ति क्या करती है, उस विभक्ति को निष्क्रिय कर देती है और अपनी अपनी चला देती है। तो यहाँ पर आपको उपपद विभक्ति से ध्यान रखना है कि तृतीय विभक्ति में आपको कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उससे आप समझ ही जाएंगे कि ये बिल्कुल उपपद विभक्ति हो चाहे ऐसे ना हो, तो आप ऐसे पहचान लेंगे। जैसे सह, सकम, सार्थम और समम, इन तीनों का मतलब होता है किसी के साथ होना कोई चीज़। तो किसी के सहारे कोई काम करना, किसी के साथ कोई काम करना, तो वैसे भी आपको करण तृतीय विभक्ति क्या होती है, जब किसी की हेल्प या किसी साधन से आप किसी चीज़ का क्या करते हैं, हाँ करता, जिससे किसी करता जब भी किसी भी साधन की हेल्प से कोई काम करता है तो वो करण कहलाता है। तो यहाँ पर ही वही है। तो आपका जो सह, साकम, सार्थम और समम, इन चारों का मतलब था किसी के साथ होना, तो वही चीज़ इसमें आपका लगेगा तृतीय विभक्ति। जैसे राम पिता के साथ जाता है, तो राम जो है वो पिता के द्वारा, पिता के साथ जा रहा है, मतलब पिता के साथ, मतलब पिता की हेल्प से जा रहा है ना, पिता की सहायता से जा रहा है। राम पिता के साथ जाता है, पिता की सहायता से जा रहा है, उनकी हेल्प से जा रहा है। तो राम जनकेन, तो जनकेन में पिता में आपका क्या, राम है, जनकेन से गच्छति, तो जब भी किसी के साथ जाते हैं तो हम उसकी हेल्प के थ्रू ही जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति आती है। राम पिता के साथ जाते, राम जनकेन से गच्छति, तो सह मतलब के साथ। अब आता है साकम, साकम का मतलब भी के साथ होता है, बट यहाँ पर उसका मीनिंग वो नहीं है जो सह का मीनिंग होता है। राम डंडे के सहारे चलता, किसी के साथ चलना, राम डंडे के साथ चलता या डंडे के सहारे चलता है, जो डंडा है डंडे के साथ चलना या डंडे के सहारे, तो वो भी एक हेल्प ही हो गई, तो साकम बोलते हैं। तो राम है डंडे साकम चलती, तो यहाँ पर सह नहीं लिख सकती, राम डंडे सह चलती, सह मतलब किसी के साथ चलना, किसी के साथ, तो यहाँ पर यहाँ सहायता से, हेल्प से, सहारे से चल रहा था, राम है डंडे साकम चलती। अब आता है सारदम, सारदम का मतलब भी के साथ होता है, बट के साथ में यहाँ पर होता है कि अमन श्रावण के साथ खेलता है, अमन श्रावण के साथ खेल रहा है, तो वो अमन उसकी सहायता से, श्रवण की सहायता से खेल रहा है, तो इसलिए श्रवण में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। तो अमन श्रवणेन सारदम क्रीड़ति, साथ में खेलना, तो यहाँ पर सारदम आएगा, सह क्रीड़ति नहीं आएगा। अब आता है समम, समम का मतलब भी क्या होता है, के साथ, राम श्याम के साथ घूमता है, किसी के साथ घूमने जाना, कुछ करना वहाँ पर, तो वहाँ पर के साथ में क्या आएगा, समम। तो राम है श्यामेन, किसके साथ घूम रहा है वो, श्याम के, तो क्या हो जाएगा, राम है श्यामेन समम गम ब्रह्मती। अब इसके ये आप सारों समझ में आ गया आपको, साथ वाले मतलब कहीं ना कहीं से देखा जाती है सहायता ही है, तो सहायता से ही काम हो रहा है, इसलिए आपका तृतीय विभक्ति है। अब सादृश्य तुल, मतलब जब भी किसी चीज़ की कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहाँ पर भी हम तृतीय व्यक्ति का यूज़ करते हैं। सादृश्य है, मतलब के समान, रावण कंस के समान बलशाली था, जो रावण था वो किसके समान, कंस के समान, तो कंस में क्या आएगा आपको, तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो कंस के, तो रावण है कंसेन सादृश्य बलशाली आसीत, तो तुलना कंपैरिजन जब भी हम कंपेयर करेंगे तो भी हम यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का यूज़ करेंगे। तुल्य मतलब वही तुल्य मतलब के समान, महात्मा ईश्वर है तुल्य आसीत, जो महात्मा है वो ईश्वर के तुल्य थे, जो महात्मा थे वो ईश्वर के तुल्य थे, तो यहाँ पर तुल्य मतलब यहाँ पर कंपैरिजन हुआ भगवान के समान या के तुल्य, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर आ गया। अब आते हैं अभावहीन और विहीन, ये तीन चीज़ें, अभावहीन और विहीन, मतलब इन अभाव हो चाहे हीन हो चाहे विहीन, इन तीनों में कमी होती है, इसका मतलब होता है कमी, लैक। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभावहीन, जलेन अभाव है जीवनम ना, किसके अभाव में, जल के अभाव में, जल के अभाव में जीवन नहीं है, या जल के अभाव में जीवन नहीं है, तो किसके अभाव में, जल के, तो मतलब जल के बिना, तो जल की हेल्प से ही हम जी रहे हैं, तो जल की सहायता से हम जीते हैं, इसलिए आपका जल के अभाव, तो अभाव वाली चीज़ों में भी क्या आएगा, क्योंकि अभाव मतलब उसकी सहायता से काम हो रहा था, अब जो है नहीं है, तो इसका मतलब जलेन अभाव जीवनम, तो जहाँ भी अभावहीन या विहीन की बात आएगी वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति आएगा। शिक्षा हीन है जने सम्मानम न लभते, इसका मतलब क्या होगा, जो शिक्षा, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं, शिक्षाहीन व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, मतलब कि आपको शिक्षा के साथ, शिक्षा की सहायता से आपको सम्मान मिलता है, उसकी हेल्प से आपको सम्मान मिलता है, तो शिक्षा हीन है जने सम्मानम न लभते। विहीन मतलब वही रहित, उस चीज़ से रहित होना, विद्या विहीन नर पशु भवते, मतलब जो विद्या से विहीन है, विद्या रहित व्यक्ति है वो कौन होता है, पशु होता है,
तो यहाँ पर आप देखें विद्या अगर नहीं है तो वो व्यक्ति पशु है, तो मतलब विहीन में आपका वही विद्या आ गया। अब एक चीज लास्ट है बिना, बिना बिना मतलब जो चीज़ नहीं है, बिना मतलब ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभाव ही हुआ। धनेन बिना जीवनम निष्फलम, तो किसके बिना, धन के बिना, किसके बिना, धन के बिना, तो धनेन बिना जीवनम निष्फलम, धन के बिना जीवन निष्फल है। तो आपका यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीय। तो इसी के साथ आपकी उपपद विभक्ति के हिसाब से आपको ये बिल्कुल रट लेना है और पेपर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियोस डालूं तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास और आप वीडियो तुरंत देख लें, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।